रजगामर निवासी रामेश्वरी श्रीवास के 3 बेटे हैं जो हाजिरी मजदूरी करके अपनी और मां का जीवन यापन करते आ रहे हैं। वहीं छोटा लड़का दुर्गेश श्रीवास 5 जून 2024 को जमीनी पाली काम करके आ रहा था। अपने घर रजगामर निवासी मनहरण चौहान नामक व्यक्ति लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रिजदी पुलिस लाइन के पास ठोकर मारकर भाग निकला, जहां युवक हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको राहगीरों की मदद से जिला हॉस्पिटल कोरबा में भर्ती कराया गया। वहीं मरीज की तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण मरीज को तत्काल न्यू कोरबा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने दुर्गेश श्रीवास को टक्कर मारकर भाग गया, जिसकी जानकारी रामेश्वर श्रीवास ने पुलिस को दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवक की मां रामेश्वर श्रीवास ने बताया कि कोरबा के निजी अस्पताल में उपचार करने पर 5 लाख की जमा पूंजी खर्च हो गई और अब भी लगातार रुपए देने पड़ रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रामेश्वरी सरकार से आर्थिक सहायता चाहती है। उसकी मांग है कि घटना का अंजाम देने वाले व्यक्ति मनहरण चौहान की गिरफ्तारी हो या फिर बेटी के इलाज में जो भी पैसा लगा हुआ है उसकी पाई पाई रिकवरी करके दिलवाई जाए। जमनीपाली से आ रहा था, अब जमनीपाली से आ रहा था सर, वहाँ से तो क्या बोलते हैं 5 तारीख को एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ। इधर से जा रहा था मनहरण चौहान गाड़ी में अपना, और उधर से मेरा लड़का आ रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में मेरा लड़का को राउंड से ठोक दिया और मेरा लड़का का पूरा 8 हड्डी टूटा है सर। पूरा माथा टूटा है, नाक का हड्डी टूटा है, आँख का हड्डी टूटा है, आँख भी नहीं दिख रहा है उसका। और उसका भी मतलब वहाँ जाके हम लोग चौकी में थाना में रिपोर्ट लिखवाएं रामपुर थाना में, तो ठीक है जाओ अभी इलाज उलाज के लिए अब हम लोग पैसा वैसा दिखवाएंगे उसको बुलाएंगे बोले। और गाड़ी उसका भी वहाँ पर था, हम लोग का भी गाड़ी पूरा टूट गया था, नया गाड़ी दिए थे किस्ती में, और वहाँ से फिर हम लोग को भगा दिए। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, न्यू कोरबा हॉस्पिटल में एडमिट था 12 दिन तक वहाँ एडमिट था। उसके बाद में हम लोग को छुट्टी दिए और वहाँ से छुट्टी लेके आए। हर 15 दिन में इलाज के लिए बुला रहे हैं। 4-5 लाख रुपया हम लोग का वहाँ ख़त्म हो गया पैसा, कर्जा कर करके मैं वहाँ इलाज करवा रही हूँ सर। अब मेरा आगे पीछे नहीं है, पूरा कर्जा में मैं डूबी हूँ और मैं कहाँ से पैसा मैं लाऊँ। 4-5 हज़ार रुपये मैं महीना पाती हूँ, तो मैं कहाँ से इलाज करवाऊँगी। अभी दवाई चल ही रहा है, उसका इलाज चल रहा है, लंबा चलेगा बोल रहे हैं, नाक का ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, आँख का ऑपरेशन भी लगेगा बोल रहे हैं। अब पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ तक मैं कलेक्टर ऑफिस भी गई हूँ, उसके बाद एसपी थाना जाने के लिए बोले कलेक्टर साहब, मैं एसपी थाना भी गई हूँ 2-3 बार चल के गई हूँ, वहाँ भी ठीक है चले जाओ करके भगा दिए मेरे को। उसके बाद थाना फिर मैं गई हूँ, थाना जा रही हूँ फिर भी बोल रहे हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा जाओ ऐसे करके। अभी फिर गई थी तो बोले हैं कि ठीक है आप आपका रिश्तेदार है वो, मतलब आपका श्रीवास जाती है और उसको आप लोग ढूंढो करके बोल रहे हैं अपराधी को, अमरा मनहरण चौहान उसको एक्सीडेंट किया है, तो मैं कहाँ से उसको ढूंढूंगी सर। मैं गरीब आदमी, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, मैं कैसे पालूं पोसूं, मैं कैसे इलाज करवाऊं।